जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय के कमेटी हॉल में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार को आयोजित लोक अदालत में सिविल, बैंक रिकवरी, बिजली बिल, आरटीओ, नगर निगम, मोटर वाहन सहित आपराधिक मामले आए। उन्होंने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर, बासगांव, गोला, चौरी चौरा में विभिन्न मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा, बैंक से संबंधित 60,104 मामले आए, जिसमें 56,064 मामलों का निस्तारण कर दिया गया, जिसमें सेटलमेंट अमाउंट 63,88,439 रुपए हैं। इसी क्रम में सिविल कोर्ट से संबंधित मुकदमे 16,915 आए थे, जिसमें 12,261 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को कुल दीवानी न्यायालय सहित जनपद के सभी तहसीलों में 77,019 मामले आए, जिसमें 68,325 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने कहा, अधिकारी को मां सरस्वती की पुष्प मालार्पण करते हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए किया जाता है। मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय तथा समस्त पीठासीन अधिकारी इसी क्रम में मैं प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को भूखे देकर सरस्वती का आशीर्वाद हम सबने प्राप्त किया।
और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने वहाँ से इलाहाबाद से किया। बार के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका सदैव हमें सदा सहयोग मिलता रहा है और आशा है भविष्य में भी मिलेगा। एक बात जो कहीं अंतर मन में खटकती है और जो प्रेरित करती है हमें इस तरह के कार्यक्रमों को करने की, कहने को तो हम जहांगीर के दरबार के हैं, कहने को तो हम जहांगीर का दरबार हैं, लेकिन आज इंसाफ की जंजीर है जंगल। आप अपने अंदर मन में कभी एकांत में सोचिए कि हम कितना न्याय दे पा रहे हैं, और इसी जंग को छुड़ाने के लिए सतत सभी लोग प्रयत्नशील हैं। ADR के जरिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के एक फोरम के जरिए आप कंपेयर करें तो जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं हमारी हैं, उसी तरह से हमारी ये विधिक सेवाएं भी हैं। गोकिया कंज्यूमर फोरम में इसको नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस अगर न्याय में होता है तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में नहीं आएगा। लेकिन आप जरा एक क्षण के लिए जस्ट बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य के, हमारा विधिक परामर्श शिविर और विधिक साक्षरता शिविर, जिस तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाते हैं छोटी मोटी चोटें लगती हैं और आप वहां दवा करा के चले आते हैं आपको रिलीफ मिलता, ठीक उसी तरह से हमारा विधिक परामर्श केंद्र है और विधिक सहायता जो शिविर लगते हैं, विधिक साक्षरता शिविर, बहुत सारे लोगों को जो कानून की स्थिति अगर उन्हें अस्पष्ट हो जाए तो आगे मुकदमों के लड़ने की स्थिति समाप्त हो जाती है। आगे आइए आउटडोर पेशेंट्स, आउटडोर पेशेंट्स के रूप में आपको छोटी मोटी चोटें लगी, आप गए और वहां मरहम पट्टी हुई, रिलीफ मिली, ठीक उसी तरह इन लोक अदालतों में ऐसे मुकदमे जिनमें विधि के दुरूह प्रश्न सन्निहित नहीं है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस, फैक्ट्री एक्ट, वेट्स एंड मेजरमेंट के पुराने जो मुकदमे रहे हैं, इस तरह के जो पुराने मुकदमे जिनसे बैकलॉग हमारा पड़ रहा है, जिनमें हमारे प्रिजाइडिंग अफसर को 2 बजे टाइम नहीं मिलता है कि साहब हम अपने इंटरकेट क्वेश्चन अपला वाले 400 के मुकदमे को हमारा CGM देखे, हमारा ACM देखे, वो हम मुकदमों को हम देख सकें और NDA के मुकदमे बल्क में हम इस तरह के आयोजनों को करके निकाल सकें, तो ये आउटडोर की। अब आइए इंडोर, इंडोर की केसेस जैसे हैं, पेशेंट भर्ती है और उसकी एक लंबी प्रक्रिया के तहत उसका इलाज करना, ठीक इसी तरह हमारे जो पुराने इंटरकेट मुकदमे हैं हमने उनके भी निस्तारण की एक प्रक्रिया बना रखी है। डाइवोर्स केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, सक्सेशन केसेस, इस तरह के केसेस में हम थोड़ा समय दे करके और उन्हें भी सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह जो जंग लगी हुई है उस जंग को हम छुड़ाने का सतत प्रयत्न करते हैं और निसंदेह यह फलीभूत हो रहा है जैसा कि आप आंखों से देख रहे हैं। एक ध्यान में जरूर परमानेंट लोक अदालत की ओर दिलाना चाहूंगा और मैं जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुरोध भी करूंगा कि आगामी जब भी विधिक साक्षरता शिविर लगे तो परमानेंट लोक अदालत के जो भी अफसर रहे हों या हैं जो भी है उनको जरूर बुलाएं और ऐसे विधिक साक्षरता शिविर में इसकी आवश्यकता लोगों को पता चले, क्योंकि एक ऐसा फोरम है जिस फोरम में बिना किसी कोर्ट फीस के दिए मेरिट पे आप मुकदमों को डिसाइड कराते हैं और द जजमेंट एज द अवार्ड हैज द मेरिट, इनको वही सेंटिटी है जो सिविल कोर्ट के मुकदमों के डिग्री की है, दे आर वेल एनफोर्सिएबल, कोई इश्यूज नहीं फ्रेम होना है, कोई इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होना है, किसी भी तरह 7/11 की दरखास्त में मुकदमा नहीं लगना है और ना तो आपकी दरखास्त आपको डिस्पोज करना है, सिंपली ए डब्ल्यूएस इज टू कम एंड द एविडेंस इज टू बी लेड ऑन एफिडेविट जस्ट लाइक इन द हाई कोर्ट। तो इन प्रक्रियाओं में आप ये जान करके सुख की आपको अनुभूति होगी कि 200-250 मुकदमों के बाद विगत 8 महीनों में आज पेंडेंसी 500 के करीब लोक अदालत परमानेंट लोक अदालत की पहुंच रही है, डिस्पोजल पर मंथ करीब 8-9 केसेस के, यह एक ऐसा
फोरम है जिस फोरम में हम सतत उस जंग को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी सोर प्रयत्नशील हैं, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी अधिकारी सतत इस ओर कार्य करते हुए हम उस जंग को छुड़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से उनकी पूरी टीम सतत प्रयास कर रही है, हम इसको सफल बनाने के लिए बात उसकी रिपोर्ट गोरखपुर की तरफ से कदम से कदम मिलाकर उनके साथ कर रहा हूँ, चलने का प्रतिबद्ध हूँ। हम पुनः इस कामना के साथ लोक अदालत संपूर्ण ढंग से सफल हो, पूरे टीम को माननीय न्यायाधीश को पुनः अपना शुभकामना देता हूँ और इसे सफल होने की कामना करता हूँ। जय हिंद। दीवानी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया था, किस तरह के मामले आए, कितने मामलों का निपटारा कर दिया? इसमें जो है विभिन्न तरह के सिविल वाद और जिसमें कि प्री लिटिगेशन केसेस, NI एक्ट से 138 से संबंधित मुकदमे, बैंक रिकवरी केसेस, लेबर डिस्प्यूट केसेस और रेवेन्यू केसेस, वाटर से संबंधित केसेस, बिजली बिल से संबंधित केसेस और जीडा, RTO, नगर निगम, लेबर कोर्ट्स इत्यादि से संबंधित मुकदमे, इसके साथ ही क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस और MSET एक्ट, मैट्रिमोनियल, लैंड एक्विजिशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर्विस मैटर, अदर सिविल मैटर आदि जो है मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार आज दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी न्यायालय गोरखपुर परिसर और बाह्य न्यायालय बांसगांव के साथ ही ग्रामीण न्यायालय गोला, कैपियरगंज और चौरी चौरा में विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निपटारा किया गया। और कितने मामले आए थे जिसमें कि प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले 60,104 टेकन अप किए गए थे और जो 56,064 निस्तारित हुए हैं और जिसमें कि सेटलमेंट अमाउंट 63,88,439 रुपये की है और लगभग है। और सिविल कोर्ट से संबंधित मुकदमे 16,915 टेकन अप किए गए थे जिसमें कि 12,261 डिस्पोजल किए गए हैं। टोटल कुल मुकदमे प्री लिटिगेशन और अन्य जो हैं 77,019 टेकन अप किए गए जिसमें कि 60,325 केसेस का निस्तारण किया गया है गोरखपुर जनपद न्यायालय और विभिन्न तहसीलों और तहसील स्तर और कलेक्ट्रेट आदि जगहों पर उक्त मामलों का निस्तारण किया गया है।